जम्मू कश्मीर में एक सैनिक को अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए न सिर्फ 5 दिन इंतजार करना पड़ा बल्कि उसने खुद 8 लोगों के साथ बर्फबारी में मां का शव लेकर 70 किलोमीटर पैदल यात्रा की। इस दौरान ना तो उसे सेना की तरफ से मदद मिली ना ही स्थानीय प्रशासन की ओर से। पूरा मामला जम्मू कश्मीर के तंगधार का है। जवान की मां सकीना बेगम की मौत 29 जनवरी को पठानकोट के आर्मी अस्पताल में हुई। इसके बाद उनकी इच्छा के मुताबिक सैनिक अपनी मां का शव जम्मू कश्मीर के कान्हा ले जाना चाहता था। सेना ने शव को श्रीनगर से कान्हा पहुंचाने का वादा भी किया था, लेकिन जब उनका शव श्रीनगर पहुंचा तो बर्फबारी की वजह से सेना के अफसरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद जवान अपनी पत्नी के साथ मां के शव को उठाकर चौकी बल तक लाया, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। वहां के स्थानीय लोगों से जवान को काफी मदद मिली, जबकि चौकी बल में स्थानीय प्रशासन मदद के लिए सामने नहीं आया। आखिरकार लोगों ने जवान की मरहूम मां को अपने कंधों पर उठाकर 70 किलोमीटर का सफर तय करके उन्हें गृहनगर तक पहुंचाया। मरने वालों के लिए भी कोई मदद नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक जवान जो देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाता है, क्या उसके परिवार के साथ इस तरीके का सलूक होना चाहिए।